शनिवार पर बिग बॉस के घर के अंदर सबसे बड़ा इविक्शन देखने को मिला था। हम बात कर रहे हैं जैस्मिन भसीन की। जैस्मिन भसीन के इविक्शन से हर कोई हैरान हो गया था और अली गोनी की तो हालत ही खराब हो गई थी। हालांकि अब जैस्मिन के फैंस के लिए अच्छी खबर है। दरअसल जैस्मिन भसीन की घर के अंदर री एंट्री होने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार जैस्मिन भसीन क्वारंटाइन में चली गई है और जल्द ही घर के अंदर दोबारा से वापसी करेंगी। आपको बता दें कि बिग बॉस के घर से निकलने के बाद जैस्मिन ने अपने गेम पर और बाकी कंटेस्टेंट्स के गेम पर बहुत सारी बातें कही थी। इसके अलावा उन्होंने रश्मि देसाई को खरी खोटी भी सुनाई थी। हाल ही में जैस्मिन भसीन को मुंबई में अपने फ्रेंड्स यानी कि भारती, हर्ष और पुनीत के साथ में डिनर पार्टी पर भी देखा गया था, जिसके बाद लग रहा था कि शायद अब जैस्मिन भसीन बिग बॉस के घर में री एंट्री नहीं करेंगी। लेकिन आपको बता दें कि जैस्मिन भसीन अब जल्द ही री एंट्री करने जा रही है। मेकर्स की तरफ से जैस्मिन को कॉल आ चुका है और वो क्वारंटाइन में भी चली गई है। जैस्मिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जो उनके होटल रूम का है जहां पर वो क्वारंटाइन हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार जैस्मिन भसीन अगले हफ्ते बिग बॉस के घर के अंदर री एंट्री करेंगी। वहीं आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में जैस्मिन भसीन के अलावा देवोलीना भट्टाचार्य जी भी एंट्री करने वाली है। देवोलीना बिग बॉस के घर में विकास गुप्ता की प्रॉक्सी बनकर जा रही है, क्योंकि विकास गुप्ता की तबीयत खराब है, तो जब तक विकास गुप्ता शो में वापस नहीं लौटते तब तक देवोलीना उनकी प्रॉक्सी बनकर घर के अंदर रहेंगी, जिस वजह से देवोलीना भी क्वारंटाइन में चली गई है। हालांकि देवोलीना की एंट्री घर के अंदर सीधी नहीं होगी, पहले देवोलीना को सीक्रेट रूम में भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि देवोलीना के साथ जैस्मिन भी सीक्रेट रूम में जा सकती है। हालांकि जैस्मिन के सीक्रेट रूम में जाने की खबरें कंफर्म नहीं हुई है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं उससे तो यही माना जा रहा है कि जैस्मिन की डायरेक्ट री एंट्री कराई जाएगी, तो वहीं देवोलीना को पहले सीक्रेट रूम में भेजा जाएगा और उसके बाद घर के अंदर उनकी एंट्री होगी। तो ये हैं बिग बॉस के घर में आने वाले दिनों में होने वाली दो एंट्रीज। कमेंट करके आप हमें बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं जैस्मिन भसीन की री एंट्री के लिए, और क्या आपको लगता है कि री एंट्री के बाद जैस्मिन का गेम बदलेगा। वहीं अगर आपने हमारे चैनल क्रिस क्रॉस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।